आपका में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। नवजोत सिंह सिद्धू की बढ़ सकती है मुश्किलें। कटिहार में दिए गए भाषण पर चुनाव आयोग ने लिया संज्ञान। मुसलमानों से की थी चुनाव में एकजुट होने की बात। कांग्रेस ने लगाया प्रधानमंत्री मोदी पर गांधीनगर के भूखंड की गलत जानकारी देने का आरोप। कहा 2007-2012 के विधानसभा चुनाव और 2014 के लोकसभा चुनाव में दी है विरोधाभासी जानकारी। चुनाव आयोग से की कार्रवाई करने की मांग। केंद्रीय मंत्री और राजस्थान के जोधपुर से बीजेपी के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत पर चुनाव आयोग ने कसा शिकंजा। आचार संहिता के उल्लंघन के लिए भेजा नोटिस। 14 अप्रैल को पोखरण में धमकाया था सरकारी कर्मचारियों को। प्रियंका गांधी के वाराणसी से लड़ने के सवाल पर बोले रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ने को तैयार, आगे का फैसला पार्टी के ऊपर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मोदी पर साधा निशाना। कहा अगर तीन पार्टियों का गठबंधन महामिलावट है तो आपके देश भर में 38 पार्टियों के साथ गठबंधन को क्या नाम दिया जाए। शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा समाजवादी पार्टी में हुई शामिल। लखनऊ से राजनाथ सिंह के खिलाफ बनाया गया प्रत्याशी, 18 अप्रैल को भरेंगे पर्चा। बीजेपी प्रत्याशी राजनाथ सिंह ने रोड शो के बाद भरा नामांकन। लखनऊ से बीजेपी ने बनाया है प्रत्याशी। पांचवें चरण में 6 मई को होना है मतदान। छत्तीसगढ़ के भाटापारा में प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा कुछ लोगों की तालियां बटोरने के लिए पूरी जाति को बता रहे चोर। राहुल गांधी ने नीरव मोदी और ललित मोदी पर सांकेतिक हमला करते हुए कहा था कि सारे चोरों के सरनेम में मोदी क्यों। बीजेपी के सहयोगी रहे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने जारी की 39 प्रत्याशियों की लिस्ट। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी उतारा प्रत्याशी। शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने लोकसभा के लिए जारी की 14 उम्मीदवारों की लिस्ट। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और हरियाणा में जारी के उम्मीदवारों के नाम। अब तक की सुर्खियों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यनिधि.com के साथ।